हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन में भी फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज भी हम इन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फंक्शन की वैल्यू वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है हमें। जैसे एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, f(x) log 1 + x/1 + x गिवन है। हमें वैल्यू निकालनी है f(2x/1 + x²) की। देखो, लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया गया है, आपको f के अंदर जो वेरिएबल लिखा है उससे वेरिएबल को रिप्लेस कर देना है। वेरिएबल लिखा है, कांस्टेंट लिखा है, जो भी वैल्यू यहाँ लिखी गई है। अब आप देखिए, f(x) इतना है, हमें क्या निकालना है, f(2x/1 + x²) मीन्स हमारे लिए x की ये पूरी वैल्यू ये है 2x/1 + x²। तो हमें क्या कर देना है, x को रिप्लेस कर देना है 2x/1 + x²। क्लियर? तो क्या करेंगे हम, देखो हम इसको सॉल्व कर देना है हमें। x को रखा हमने 2x/1 + x²। गिवन ये है ही, पहले लिख लेते हैं गिवन। f(x) log 1 + x/1 - x। आपको क्या करना है, f(2x/1 + x²). ठीक है, ये वैल्यू आपको निकाल देनी है। तो क्या कर देंगे हम, हमने जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां ये वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो क्या हुआ, log 1 + इस x की जगह ये वैल्यू रखेंगे, मीन्स ये हो जाएगा 2x/1 + x² अपॉन इस x के प्लेस पर ये वाली वैल्यू रखनी है पूरी। तो क्या हो जाएगा, 1 - 2x/1 + x²। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। देखो, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू हमारी हो जाएगी लॉग, ऊपर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 1 + x²। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स 1 + x² + 2x। नीचे देखिए, नीचे भी हम एलसीएम लेंगे तो नीचे भी एलसीएम सेम ही आएगा 1 + x²। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + x²। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई की तो 1 + x² - 2x। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो वैल्यू क्या बचती है, वैल्यू हमारे पास बचती है लॉग 1 + x + 2x, 1 + x² + 2x, 1 + x² - 2x। क्लियर, ये वैल्यू आ जाती है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देना। 1 + x² + 2x लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। 1 है, 1 को 1 स्क्वायर लिख दीजिए, 1 क्यूब लिख दीजिए। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को लिख सकते हैं। 1 के ऊपर पावर लगा सकते हैं आप, क्योंकि 1 की पावर n 1 ही होता है यदि पावर फाइनाइट है तो। ठीक है, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर लिखेंगे। अब आप देखिए, a² + b² + 2ab, x की मल्टीप्लाई में भी यदि 1 लिख लें तो भी क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाती है 1 + x होल स्क्वायर। नीचे देखिए, 1 ² + x² - 2x। नीचे वाली वैल्यू बन जाती है 1 - x होल स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा 1 + x होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 - x होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख देते हैं। देखो, हमने इसको लिख दिया 1 + x log 1 + x² होल स्क्वायर अपॉन 1 - x होल स्क्वायर। और लेफ्ट में हमारा क्या चल रहा है, लेफ्ट में हमारा चल रहा है f(2x/1 + x²), ये चल रहा है लेफ्ट में। तो हमने लिखा इसको f(2x/1 + x² = आपने वैल्यू रखी, जैसे ही राइट साइड हमने अभी आपको बताया ही था होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, मीन्स लॉग ये हो जाएगा आपका 1 + x होल स्क्वायर अपॉन 1 - x होल स्क्वायर। अब आप देखो, दोनों के ऊपर पावर लगी हुई है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है। आप टोटल के ऊपर पावर लगा सकते हैं, अलग अलग ना करके एक साथ पावर लगा सकते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा लॉग 1 + x अपॉन 1 - x होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है log m raised to the power n। log m रेज टू द पावर n। तो क्या कर लेते हैं हम, इस n को यहाँ ले आते हैं, हम इसको लिख लेते हैं n log m, ठीक है, m रेज टू द पावर n को n log m लिख लेते हैं। इसका मतलब ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log 1 plus x अपॉन 1 minus x, लिख दिया हमने 2 log 1 plus x अपॉन 1 minus x। अब आप देखिए log 1 plus x अपॉन 1 minus x, ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी fx की, तो आप इसको fx भी लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू fx, ठीक है। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि प्रूफ दैट यदि एफ एक्स की वैल्यू इतनी है तो एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2fx, क्लियर। तो यदि प्रूफ करने के लिए आता है तो आप प्रूफ कर देंगे, दोनों को इक्वल रख लेंगे, और यदि वैल्यू निकालने के लिए आती है तो हमने लिख ही दिया है आंसर यहाँ पर 2fx, क्लियर। समझ आ गया आपको करना क्या है, बस आपको x को रिप्लेस कर देना है, x की जगह जो वैल्यू यहाँ लिखी गई है चाहे वो कितनी भी बड़ी है। अब देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू है तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू लिख देनी है, तो आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसके बाद कैलकुलेशन कर दी, जितनी पॉसिबल कैलकुलेशन हो सकती है आपको उतनी कर देनी है, ठीक है, आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आप छोड़ दें क्वेश्चन को, यदि हो पा रहा है तो आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है बात अलग है, मतलब आपने कैलकुलेशन की, उसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है कैलकुलेशन करने की, अब यहाँ के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसलिए आप यहीं छोड़ सकते हैं। चाहे तो लॉग एम माइनस लॉग एन वाली फॉर्म हम लिख सकते हैं, यदि हमें ये 2fx ना दिया गया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, देखो ये तो हुई कि यदि हमें एक वैल्यू दी गई है और आपने जो वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में वो वैल्यू रखी और कैलकुलेशन कर दिया, आपको आपका आंसर मिल गया। अब देखो ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा बार ff लिखा जाए, फंक्शन fx ना लिखकर ffx हो जाए या ट्रिपल fx हो जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर आप ऐसा कहिए दो अलग अलग फंक्शन हमें दिए जाते हैं और दोनों की वैल्यू एडिशन में पूछ ली जाती है, मीन्स fx दिया गया है एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन gx दिया गया है और आपसे पूछा जाता है f प्लस जी एक्स ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको, या f माइनस जी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, या फिर f इंटू जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर f अपॉन जी एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें कहते हैं हम ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, ठीक है, ये सब ऑपरेशंस हैं फंक्शन के ऊपर, हिंदी में संक्रियाएं कहा जाता है, फलनों की संक्रियाएं या फलनों पर संक्रियाएं, ठीक है। तो पहले हम ये कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं, फॉर्मूले कहिए नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना, ठीक है। तो पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर। देखो अभी जैसे लिखा गया है, मान लिया दो अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, और आपको f प्लस जी एक्स निकालना है, तो सिंपली आपको दोनों को प्लस कर देना है, fx प्लस जी एक्स। ठीक इसी तरह यदि माइनस करना है fx f माइनस जी ऑफ x, तो fx माइनस जी एक्स। यदि आपको मल्टीप्लाई में लिखा हुआ मिलता है f इंटू जी ऑफ एक्स, तो आपको लिख देना है fx इंटू जी एक्स। ठीक इसी तरह यदि डिवाइड में लिखा हुआ मिलता है f अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, जी एक्स की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकाल लेनी है। ऐसे ही यदि फंक्शन एक से ज़्यादा बार लिखा जाए, मीन्स एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, तो पहले अंदर वाला एफ एक्स सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड वाला, फिर उसके बाद थर्ड वाला, ठीक है। तो लिखेंगे ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, फंक्शंस, फलनों पर संक्रियाएं या फलनों की संक्रियाएं, ठीक है, ऑफ भी लिख सकते हो आप, ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। संक्रियाएं लिखिए, संक्रियाएं इस टाइप से लिखिए। देखो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन, या टू फंक्शंस लिख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन या टू फंक्शंस, ठीक है। देन नंबर वन, एफ सम ऑफ फंक्शंस। सम और डिफरेंस एक साथ लिख देते हैं, डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, फलनों का योग और अंतर। ठीक है, फलनों का योग और अंतर, योग या अंतर आप लिखेंगे। यदि प्लस है तो प्लस का साइन लगा लेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन लगा लेंगे। ऐसा आपके पास लिखा गया है तो आपको क्या कर देना है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। क्लियर, फंक्शन एफ एक्स डिफाइन होगा। अब मान लिया एक्स से आर तक डिफाइन है, या जी एक्स भी एक्स टू आर डिफाइन है, तो ये जो एक्स है ये फॉर ऑल एक्स के लिए है, मतलब एक्स की हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, जो भी उस डोमेन में आती है। ठीक है, डोमेन रेंज भी अभी हम बताएंगे जब एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। तो ये तो हुआ हमारा सम। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। प्रोडक्ट फंक्शंस, फलनों का गुणनफल। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ऐसे ही भागफल, ये है प्लस दिया गया है तो आपको प्लस लगा देना है, माइनस दिया गया है तो आपको माइनस लगा देना है। अब डिवीजन ऑफ फंक्शंस मतलब भागफल या कोशेंट भी लिख सकते हैं आप, डिवीजन ऑफ फंक्शंस, फलनों का भागफल। कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मीन्स इस टाइप से लिखा गया है एफ अपॉन जी एक्स, तो आपको लिख देना है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। प्रोवाइडेड मतलब होता है जबकि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यदि जी एक्स जीरो आ जाएगा तो ये फंक्शन फाइनाइट नहीं रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो यदि हमें प्लस माइनस करना है तो ऐसे लिखेंगे, यदि हमें डिवाइड करना है तो ऐसे लिखेंगे, यदि मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिखेंगे। अब एक और वैल्यू आती है, अभी जो हमने बताया था आपको, यदि एफ आ जाए या दो बार एफ लिख दिया जाए या तीन बार लिख दिया जाए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो ऐसे लिखेंगे हम। उसमें क्या कर देना है आपको, पहले अंदर वाला सॉल्व करना है, फिर जो आएगा उसके साथ दूसरा वाला, फिर उसके बाद थर्ड वाला। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर देना है। देखिए, साथ ही यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, यदि स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, यदि मान लिया ऐसा लिखा जाए, लिख देते हैं, चलिए, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, स्केलर क्वांटिटी मतलब या ऐसा कहिए कांस्टेंट वैल्यू से, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट वैल्यू, अल्फा एफ एक्स, या आप लिख दीजिए बाय ए कांस्टेंट अल्फा एफ एक्स या के एफ एक्स लिख दीजिए, एक ही बात है, तो के बाहर लिख लेंगे, एफ एक्स लिख देंगे इसको। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर देना, इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, यदि ऐसा हो जाए एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आपको क्या कर देना है, एफ ऑफ पहले बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, फिर छोटा वाला ब्रैकेट और अंदर एफ एक्स। पहले इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ले लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्या हो जाएगा, मान लिया क्वेश्चन हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, और हमें डबल एफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको फिर से हमने बताया, पहले इसको सॉल्व किया जो आया, फिर सॉल्व किया, फिर जो आया, फिर सॉल्व किया। ये तीन बार लिखा हुआ है, हमने तीन बार लिख दिया है। हमारे क्वेश्चन में फिलहाल दो बार ही लिखी गई है वैल्यू, दो ही वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो जितना भी दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे ही, जैसे हमने ये सब लिखा है, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब भी एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, इस टाइप के क्वेश्चन को। मान लिया एफ एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, साथ ही कंडीशन भी दी गई है एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। यदि नहीं भी दी जाती तो भी हमें मान के चलना है, क्योंकि हमें देखो फाइनाइट वैल्यू चाहिए होती है। क्लियर? इनफाइनाइट वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं, फाइनाइट वैल्यू लिख रहे हैं। तो हमें ये दिया गया है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट या शो दैट, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स विद माइनस साइन वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं पहले, तो जो भी वैल्यू दी गई है हमने लिखा गिवन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ एफ एक्स। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि आपको ये वैल्यू ऐसे लिख लेनी है। एफ एक्स की वैल्यू आप जानते ही है, तो आपने इस एफ एक्स की जगह ये रख दिया। ठीक है, इस एफ एक्स के प्लेस पर आप इस वैल्यू को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखो एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, हमें ये निकालना है, हमारे लिए ये पूरी वैल्यू x है। ठीक है, एफ एक्स ये है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो जहाँ जहाँ x लिखा गया है, जहाँ जहाँ x लिखा गया है वहाँ वहाँ ये पूरी वैल्यू रख देनी है। क्लियर? जहाँ भी x हमें दिखाई दे रहा है वहाँ ये पूरी वैल्यू रख देनी है, क्योंकि f के अंदर लिखा गया है पूरा। तो हमने इसको लिखा x मीन्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन। ठीक है, अब एलसीएम ले लेना है, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, वैल्यू हमारी हो जाएगी एक्स प्लस वन। ये वैल्यू एज इट इज, माइनस का साइन लगाया, एक्स प्लस वन। नीचे देखो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब उसको सॉल्व कर देना है, जो भी बचता है एक्स माइनस वन, बाहर माइनस है तो माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वन। नीचे देखिए आप एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन। अब देखो जो जो कैंसिल हो पा रहा है उसे कैंसिल करेंगे। यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ माइनस वन है, यहाँ प्लस वन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वैल्यू बचेगी माइनस टू और नीचे वैल्यू बचेगी टू एक्स। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन एक्स। और यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जैसे हम एक्स को जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी। इन्होंने भी कहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, इट मीन्स वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स प्रूव्ड। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था बस, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? समझ में आ गया? आपको क्या करना है, बस आपको इसको एफ एक्स को एफ ऑफ एफ एक्स लिख देना। अब इस एफ एक्स की वैल्यू रखी है आपने एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इस ये एफ एक्स आपके पास ये है, आपको ये निकालना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा गया है वहाँ वहाँ आपको ये पूरी वैल्यू रख देनी है। ठीक है, एक्स के प्लेस पर आपको ये पूरी वैल्यू रख देनी है, तो आपको एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू रखी। नीचे भी x के प्लेस पर ये वैल्यू रखी। इसके बाद हमें कैलकुलेट कर देना है इसको। नीचे एलसीएम लिया, ये आ गया, नीचे भी एलसीएम लेंगे, मीन्स ऊपर भी एलसीएम लेंगे, नीचे भी लेंगे, नीचे भी लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इससे ये कैंसिल हुआ, बाहर माइनस है तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे अंदर वाला प्लस वाला साइन भी माइनस बन जाएगा। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिख रही फिलहाल हमने। इससे ये कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इससे ये कैंसिल, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, एक्स और एक्स टू एक्स हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था। समझ आ गया? तो ये तो हुई यदि एफ एक से ज़्यादा बार लिखा जाए। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे कहा गया है एफ एक्स और जी एक्स की अलग अलग वैल्यू दी गई है और हमसे सारी वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया है। एफ माइनस एफ प्लस जी, एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, एफ एक्स दिया गया है और जी एक्स दिया गया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है फंक्शन एफ एक्स जी एक्स जरूरी नहीं है हमेशा यही रहे, एफ एक्स दे दिया जाए, एल्फा एक्स दे दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलग अलग फंक्शन के नाम दिए जाने, एफ वन एक्स एफ टू एक्स भी दिया जा सकता है। ठीक है, और आपसे ये सब पूछा गया है, तो बस जैसे जैसे हमने फॉर्मूला बताया है अभी कुछ देर पहले, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग फिफ्थ वाले पॉइंट में जो भी बताया, नहीं सारे पॉइंट्स में अलग अलग, पहले वाले पॉइंट में प्लस और माइनस दोनों किए थे, सेकंड पॉइंट में आपको हमने मल्टीप्लाई बताया था, थर्ड पॉइंट में हमने आपको डिवीजन बताया था कि डिवाइड कैसे करेंगे दो फंक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इसी टाइप से सॉल्व कर देना है। सब चीज़ें दी गई हैं अलग अलग और हमें पॉइंट्स मतलब वैल्यू रख देनी है, निकाल देना है, प्लस है तो प्लस रख देना है, मतलब प्लस लिख देना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, माइनस है तो माइनस लिख देना है। जैसे देखो क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, फाइंड एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, इसके बाद एफ इंटू जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स है हमारे पास, गिवन है क्वेश्चन में, आपको लिखना है एफ प्लस जी एक्स। ठीक है, पहले लिखेंगे गिवन। देखो क्वेश्चन करने का मेथड है, सही तरीके से आप क्वेश्चन करें तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं एग्जाम, मतलब एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ता कि आपने क्या वैल्यू कहाँ लिख दी है। ठीक है, एग्जाम में आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो आसानी रहती है, जो सामने वाले एग्जामिनर हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं आपकी, उनके लिए भी आसानी रहती है कि यदि आप सही तरीके से लिखते हैं वैल्यू को, और यदि एक वैल्यू ऊपर लिख दी एक वैल्यू कहीं और लिख रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में। यदि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं तो एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे ऑब्वियसली उन्हें भी प्रॉब्लम होगी ही समझने में, यदि आप सही तरीके से चीज़ों को नहीं लिख रहे हैं। f प्लस जी इंटू एक्स, देखिए f प्लस जी इंटू एक्स है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, वी नो, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि वैल्यू ऐसी लिखी गई है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आप जानते ही हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू है टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। या तो आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वन को आप लिख सकते हैं वन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में केवल इतना नहीं पूछा जाता है एफ प्लस जी इंटू एक्स, क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि f प्लस जी वन ये फाइंड कीजिए, तो आपको क्या करना है, f प्लस जी इंटू एक्स आप निकाल चुके हैं, f प्लस जी एक्स, तो यदि आपको ये वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, f प्लस जी एक्स की वैल्यू है x प्लस वन होल स्क्वायर, आप लिख रहे हैं f प्लस जी वन, तो आप क्या करेंगे यहाँ 1 लिख देंगे, 1 प्लस वन होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, इट मीन्स 4। हालांकि हमारे क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं निकालने के लिए कहा गया है, बट फिर भी हमने आपको बता दिया है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ कहा जाए -5 तो आप x की वैल्यू को -5 प्लेस कर देंगे, ठीक है, -5 से x को रिप्लेस कर देंगे या पुट कर देंगे ऐसा कहिए। अब हम बात करते हैं माइनस की, f माइनस g। देखो f माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स था वैसे ही एफ एक्स माइनस जी एक्स बन जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू है 2x + 1, तो बस एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 1, क्लियर, ये वैल्यू आ जाएगी। सेम ही यदि आपसे f प्लस जी इंटू एफ माइनस जी इंटू 1 कहा जाता है तो आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो 1² - 2 × 1 - 1, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली -2, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम साथ ही f प्लस जी इंटू 1, एफ माइनस जी इंटू 1, ठीक है, f/g × 1, f × g = 2, ठीक है, तो ये तो हो गया f प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स। अब हम निकालते हैं मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाली वैल्यू, क्या हो जाएगा, देखो हमने लिखा f × g x, तो ये हो जाएगा f x × g x, ठीक है, f × g x है तो f x × g x ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे हम। इसके बाद हम लिखेंगे डिवाइड वाली वैल्यू, f/g x, f x/g x ये हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं। देखो पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई वाला फिर लिखते हैं डिवाइड वाला, f g x, तो हम इसको लिखेंगे f x × g x, ठीक है, f x × g x। fx क्या है, x² gx है आपका 2x + 1, ऐसे ही यदि यहाँ भी 1 लिखा जाता है तो आप यहाँ 1 लिख लेंगे, कोई दूसरी वैल्यू लिखी जाती है तो आप वो दूसरी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, मतलब x को रिप्लेस कर देना है उस वैल्यू से, क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आप अंदर 2x³ + x², ठीक है, ये आंसर हो गया। ऐसे ही लास्ट वाला बचता है f/g × x, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, f/g × x, तो ये वैल्यू हो जाएगी f x/g x, ठीक है, f x/g x। f x की वैल्यू कितनी है, f x की वैल्यू है आपकी x², g x की वैल्यू कितनी है 2x + 1, ठीक है, तो f/g x की वैल्यू ये आ जाएगी। देखो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 ना हो, तो एक कंडीशन साथ में लिख देंगे, वेयर 2x + 1 ≠ 0 या 2x ≠ -1 या x ≠ -1/2, तो आप डायरेक्ट ये कंडीशन लिखेंगे, ये वैल्यू नहीं लिखेंगे। आप लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना डायरेक्ट आप ये कंडीशन लिख सकते हैं x ≠ -1/2, ताकि डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू ना बने। डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू नहीं बनेगी तो इनफाइनाइट नहीं बनेगा, क्लियर। बाकी आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर x की रख सकते हैं, फॉर ऑल x, यहाँ पर भी x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है फंक्शन, यहाँ पर भी x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है, बीच की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखेंगे सबके लिए फंक्शन डिफाइन है, मल्टीप्लाई वाला भी, प्लस वाला भी, माइनस वाला भी। बस डिवाइड में आपको ध्यान रखना है जो वैल्यू नीचे है वो 0 नहीं बनेगी, क्लियर, बाकी एज इट इज लिख देना। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको इस टाइप के फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो ये तो बात हुई हमारी फंक्शंस की। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यदि हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फंक्शन की अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी। समुच्चय के अनुसार डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन की, कि फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है सेट थ्योरी के टर्म्स में, ठीक है। और साथ ही आपको हम बताएंगे कि सेट क्या है। सबसे पहले तो आपको यही बताना होगा कि सेट क्या है, इसके बाद आपको बताएंगे ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन क्या है, देन फंक्शन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, सब पर हम चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब आपको कवर कराने वाले हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखो जितने भी बिहार वाले स्टूडेंट्स हैं वो सब हमारा मोबाइल ऐप JEE क्लासेस मेरिट, वो आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की। आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस टाइप का दिखेगा आपको। मोबाइल ऐप है, आप अपने मोबाइल में जैसे प्ले स्टोर, पहले प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ जाकर लिख दीजिएगा जेईई क्लासेस मेरिट, मिल जाएगा एप्लीकेशन में। तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, चल जाएगा। वहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगी, आप उसे ठीक से देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट की क्लास आप देखना चाहते हैं वो सब्जेक्ट की क्लास आप देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाती है। टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कहिए, क्योंकि वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उस पर लिंक भी दिया गया है आपको ऐप का, साथ ही इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर ख़त्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक आपको बताएं उनके साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।